हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे हमने अभी एक्सरसाइज 1.2 में की थी लास्ट सेशन में। यहाँ क्या प्रॉपर्टीज हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार, है ना। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में कि जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन अब वन क्या है? वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। याद रखना है इन दोनों वर्ड्स को, है ना, कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके लिए फॉर इंटीजर्स, वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर ए व्हेन वी मल्टीप्लाई, यानी ए का हम एडिटिव इनवर्स हमें मिल सकता है कब? जब हम a को -1 से मल्टीप्लाई करें या -1 को a से मल्टीप्लाई करें, तब हमें क्या मिलेगा? a का एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। यानी a अगर पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव मिल जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव मिल जाएगा। देख लेते हैं। देखिए -1 से a को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा आंसर? -a। ठीक है, अब अगर a इंटू -1 रखें तो क्या मिलेगा? तो भी तो -a मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर वो डिजिट चेंज नहीं होती, है ना। जैसे 0 के साथ किसी भी डिजिट को एड करने पर या किसी भी डिजिट के साथ 0 को ऐड करने पर डिजिट चेंज नहीं होती थी, यहाँ पर सेम 1 के साथ रहेगा। वहां पर एडिशन था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, चलिए तो समझ में आई इतनी बात कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है? 1 है। क्यों है? क्योंकि 1 का हम किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी जो डिजिट है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना, तो उसी से हम इसको समझेंगे। और ये किसके ऊपर अप्लाई होती है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, हम इसे सब्ट्रैक्शन में भी ले सकते हैं। देखिए ए का मतलब हमने कोई डिजिट ले ली 4, ठीक है, और अंदर ले लिया 3+2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 की मल्टीप्लिकेशन हमको 3 के साथ भी करनी होगी और 4 की मल्टीप्लिकेशन हमको 2 के साथ भी करनी होगी, ना करनी होगी ना। देखिए ये वाली जो फॉर्म है ये फर्स्ट वाली फॉर्म है ना, और ओपन किया तो कौन सी फॉर्म मिल गई हमको? ये वाली फॉर्म। इट मीन्स आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो दोनों फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। अगर इस वाली फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसे इस फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करना होगा। अगर इस वाली फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसे इस फॉर्म में चेंज करके तब सॉल्व करना होगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या लिख देते? ओवर सब्ट्रैक्शन लिख जाता केवल। तो समझ में आई ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की? एक ही डिजिट को दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट्स कैसी होनी चाहिए? या तो दोनों में सम हो रहा हो या दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। ठीक है, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 3 × -1। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये, तो क्या होगा? जब भी हम 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 3, और मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर -3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए -1 × 225, तो डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया? 225 आ गया, और साइन का साइन के साथ किया तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, माइनस आ गया, आंसर मिल गया -225। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट
फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, सेम है क्वेश्चन नंबर वन के ही पार्ट चल रहे हैं अभी, -21 × -30। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं मैं कि माइनस इंटू माइनस करने पर आंसर क्या आता है, पॉजिटिव हो जाता है। इट मीन्स जो प्रोडक्ट इसका आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लास्ट में जीरो है, इसको ऐसे वाला मल्टीप्लीकेशन मत कीजिए कि भाई पहले जीरो का वन के साथ जीरो, टू के साथ जीरो, फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम इसको कैसे करेंगे, अभी जीरो को हम छोड़ देते हैं, हम डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, ठीक है, क्या हो गया, 36 आंसर आ गया। एक जीरो लगा दीजिए, तो लास्ट में जीरो है उसे लास्ट में लगा दीजिए, हो गया ना आंसर 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 आएगा आंसर, ठीक है। यहां भी हम देखिए क्या हमारा ये आंसर राइट है, इसको हम यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं आज एक बार। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद अगर लास्ट में आपके पास कहीं भी जीरो है और आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप जीरो की कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, बोथ साइड की जीरो को काउंट करके लिख देंगे। वो भी अभी एक सॉल्व कर लेते हैं कैसे, ठीक है। यहाँ पर आ गया, अब 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 क्या आंसर आया, क्या यही आंसर नहीं आया, आ गया ना, तो समझ में आया। अब देखिए 200 × 300, अब भाई ये तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो गया, मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में। कुछ बच्चे तो ये सोच के छोड़ देते हैं कि 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और जीरो का भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग क्या करोगे, अभी बताया था मैंने डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 × 2 = 6। अब देखिए लास्ट में, बीच की जीरो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लास्ट की जीरो की बात कर रही हूँ। लास्ट में अगर जीरो है सारी, तो क्या करोगे, कितनी जीरो है, इधर 2 जीरो है और इधर 2 जीरो है, क्या करना है हमें, दोनों जीरो को दोनों जीरो को हमें काउंट करके लिख देना है, यानी कितनी होगी टोटल जीरो, 4। तो ये हो गया हमारा आंसर आया। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। -316 × -1, माइनस का माइनस के साथ जब मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, और पॉजिटिव साइन को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब वन का किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन कीजिए, वही डिजिट मिलेगी, क्यों, क्योंकि वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या आंसर मिला हमें, 316, सेम आंसर मिल गया, केवल साइन चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि 316 भी माइनस का था और 1 भी माइनस का था, ठीक है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट्स बताने हैं हमें, क्या करना है, -15 × 0 × -18। देखिए यहां पर क्या होगा, जब भी आपको कभी ऐसा मल्टीप्लीकेशन करना पड़े जिसमें कहीं पर भी जीरो हो, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि जीरो को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमें जीरो ही मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम जीरो को आइडेंटिटी नहीं मानते, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जीरो को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, क्योंकि ये सबको जीरो कर देता है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, क्या आएगा आंसर आपका, जीरो आ जाएगा, इसलिए सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, 0 × 15 = 0 और 0 × 18 = 0, तो क्या हुआ आंसर, जीरो आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, -12 × -11 × 10, ठीक है, करते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 11 × 2 = 22, 2 बच गया, 11 × 1 = 11 और 2 = 13, ठीक है, और ये माइनस माइनस कट गया और पॉजिटिव आ गया, इनटू 10 रह गया। इसको हम पता है कौन सी फॉर्म में सॉल्व करेंगे, मैं कौन सी फॉर्म में सॉल्व कर रही हूँ उनको बताइए, क्या बता सकते हैं, मैं इनको एसोसिएटिव फॉर्म में सॉल्व कर रही हूँ, पहले मैंने ये वाले सॉल्व कर लिए, तो मैं इसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ मैं। तो आप लोगों को भी ना प्रॉपर्टीज लगाकर और उनको रिमाइंड करते हुए चलना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिए 132 हो गया, अब इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
अभी बताया था डिजिट का, डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 132 आ गया और एक जीरो है उसे लास्ट में ऐड कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? एसोसिएटिव। क्यों? क्योंकि थ्री डिजिट्स थे तो कोई भी दो डिजिट हमें पहले मल्टीप्लाई करनी थी, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन है अभी, जी पार्ट है नाइन का, 9 × -3 × -6 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। पहले 9 × अब ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये साइन तो हट गया, ठीक है, और 18 आ गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 9 × 8 = 72, 7 बच गया। ठीक है, 9 × 1 = 9, 10 = 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, क्या आंसर आया हमारा? 162 पॉजिटिव में आंसर आ गया। आप लोगों का आया ही आंसर, एक बार चेक कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 9 × -3 × -6 इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 9 × 3 = 27 × -6 तो माइनस से तो माइनस कट हो गया, 7 × 6 = 42, 6 × 2 = 12, 13, 14, 15, 16 देखिए अभी भी यही आंसर आया है। किसी भी फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, −18 × −5 × −4 फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 5 × 4 = 20 तो −18 और ये क्या हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जीरो का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 × 8 = 16, 1 कैरी, 2 × 1 = 2 और 8 = 3 और अब क्या करेंगे, ये वाली जो जीरो है इसको यहाँ पर लिख, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन चल रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर वन देखिए कितना बड़ा है, प्रैक्टिस के लिए सम सेम हुए सारे, −1 × −2 × −3 × 4 इनके 2 2 के ग्रुप बना लेते हैं, 2 × 1 = 2 माइनस माइनस प्लस, 3 × 4 = 12 और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, आप 12 × 2 = 24 किसका आएगा, माइनस का आएगा। हाँ, कितनी जल्दी आंसर निकला, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पर, यहाँ पर भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, नेक्स्ट, −3 × −6 × −2 × −1 यहाँ पर भी ग्रुप्स बना लीजिए, 6 × 3 = 18 वो भी पॉजिटिव और 2 × 1 = 2 वो भी पॉजिटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, 18 × 2 = 36 क्या आंसर आया आपका, 36। ठीक है, हो गया, क्या आंसर आया, 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग क्या करेंगे, 18 × अब ये जो ब्रैकेट है ना, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 + −3 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं और इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 18 × 7 कितना होगा, ठीक, और 7 × 7 = 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है, 126 प्लस क्या होगा यहाँ पर, 18 × −3 ठीक है। अब देखिए इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है, आप क्या बता सकते हैं मुझे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हमको क्या करना है, हमको इसको 18 × 7 − 18 × 3 करना है। ठीक है, और ये 126 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 8 × 3 = 24
और 3 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, किसका आएगा वो भी माइनस का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग एक भी स्टेप को स्किप कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, ठीक, माइनस, 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3 और 2 5, ठीक है, 54 हो गया। यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 126 प्लस माइनस माइनस 54। अब बताइए क्या आंसर आएगा, वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पर 126 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 126 पॉजिटिव है, यहाँ पर 54 माइनस है और यहाँ पर भी 54 माइनस है, तो डिजिट्स तो सेम आ रही हैं, तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। अभी हम सॉल्व करें या ना करें, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 126 में से 54 को माइनस कर लेते हैं, 2 और 12 में से 5 गया, तो जल्दी बताइए कितना बचा, 7। यहाँ पर भी कितना बचेगा, 72 और यहाँ पर भी 72। तो लिखेंगे एल एच एस, या लिख देती हूँ आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, वेरीफाई हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट, वेरीफाई द फॉलोइंग, फिर से करना है, बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस, ये ब्रैकेट है, प्लस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस 6। ठीक है, और यहां पर माइनस 21 इंटू माइनस 4, ये आ गया एक ब्रैकेट में, और इसको क्या करना है हमें, प्लस का मार्क लगाकर माइनस 21 और माइनस 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अभी इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या ये लिखा है, हाँ जी ये ठीक लिखा है, माइनस 21 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और कितना आएगा 10। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कीजिए इन दोनों को, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और किसका, वो भी प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 किसका, प्लस का, और ये हो गया यहाँ पर प्लस। अब इसे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस का माइनस के साथ कट हो जाएगा, 210 आ गया। इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, 204, तो ये आंसर आया हमारा 210 और ये आंसर आया हमारा 204। तो क्या बताइए, वेरीफाई कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, आर एच एस इज नॉट इक्वल्स टू एल एच एस, सिंपल यही लिखना है। अगर दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो हमें आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस लिखना है, और अगर वेरीफाई नहीं हो पाते हैं तो हमें RHS is equal to का मार्क लगा के उसको कट कर देना है। ठीक है, और LHS लिख देना है। ये हो गया हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट, फॉर एनी इंटीजर a, व्हाट इज माइनस 1 इंटू a इक्वल्स टू, यानी किसी भी a इंटीजर के लिए, किसी भी a इंटीजर के लिए, यानी किस, अगर हम a को माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सिंपल आंसर हमें क्या मिलता है, हम यहाँ करके ही देख लेते हैं, क्या मिलेगा, माइनस ए मिलेगा। ठीक है, क्या पूछा था, फॉर एनी इंटीजर है, यानी कोई भी इंटीजर है ए, और उसको माइनस वन के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो आंसर क्या मिलता है, क्या मिलता है आंसर, माइनस ए। यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं, माइनस 1 इंटू 2 तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 2 1 जा 2 वो भी माइनस का, माइनस 1 इंटू 10 क्या मिलेगा आंसर, माइनस 10। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए, डिटरमाइन द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज, यानी ऐसे इंटीजर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट
माइनस वन के साथ डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज माइनस 22, यानी माइनस वन के साथ किसी भी डिजिट को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 22 मिलेगा। कैसे मिलेगा बताइए, बताइए कैसे मिलेगा, जल्दी से बताइए। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज 22, तो क्या करेंगे 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। आप 33 मिलना चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस वन के साथ माइनस 37 को करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये 37 आंसर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो सिंपल हमें जीरो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस वन टू फाइव राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो, यानी इस पैटर्न को शो करने के लिए यहां से चलना स्टार्ट करना है, जब तक ये पैटर्न हमारे पास नहीं आ जाती तब तक हमें चलते जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस वन इंटू फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस फाइव, माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस फोर, माइनस वन इंटू थ्री, माइनस वन इंटू टू, माइनस वन इंटू वन, ठीक है, क्या मिलेगा आंसर, थ्री माइनस टू माइनस वन और माइनस इंटू जीरो के साथ जीरो। अब क्या आ जाएगा, अब हम नेगेटिव में पहुंच जाएंगे, क्या अब हम कहां पहुंच जाएंगे, नेगेटिव में पहुंच जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको आंसर, वन मिल जाएगा आंसर। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस बन जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, यही पैटर्न से करना है आपको, कि सॉरी फाइव से स्टार्ट करेंगे और जब तक माइनस वन तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन, अच्छा लगा ना, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है अभी, क्वेश्चन हाफ कराए हमने, आप इनकी प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये मैं रोज बोलती हूँ आपसे, प्लीज एक बार कर दिया करो यार, ठीक है। चलिए कल फिर मिलेंगे न्यू सेशन में, बाय बाय।